राजस्थान के जालौर में अबोध बालक की हत्या किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब बसपा के साथ राष्ट्रीय मानव सेना के लोग भी कदम से कदम मिलाने के लिए खड़े हो गए हैं। राष्ट्रीय मानव सेना के पदाधिकारियों ने एक मांग पत्र जिला अधिकारी को सौंपा है। जिला मुख्यालय पर मौजूद सभी लोग राष्ट्रीय मानव सेना के पदाधिकारी हैं। यह सभी लोग अपने बैनर तले जिला मुख्यालय पहुंचे और यह उन्होंने एक पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आए दिन दलितों के साथ कहीं ना कहीं सवर्णों द्वारा उत्पीड़न होता रहता है। देश आजाद होकर भी दलित समाज आज भी पूरी तरीके से आजाद नहीं हो पाया है। दलितों के साथ भेदभाव को लेकर तमाम घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ऐसा ही उदाहरण राजस्थान के जालौर में देखने को मिला। इस घटना से पूरा देश आक्रोशित है और उनके समाज के लोगों द्वारा एकजुट होकर पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की जा रही है। साथ ही हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग भी की जा रही है। साथ ही पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा आर्थिक मदद देने की मांग की है। जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी को पत्र सौंपने पहुंचे राष्ट्रीय मानव सेना के पदाधिकारियों ने क्या कुछ बताया, जरा आप भी सुनिए। क्या पद है आपके पास? मैं राष्ट्रीय मानव सेना में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हूँ। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी को? जी, आज मैंने जिलाधिकारी को ज्ञापन किस मामले में दिया है? मैंने राजस्थान में जो जालौर जिले में जो घटना हुई है, मट्टी वाली, जो तीन कक्षा तीन के विद्यार्थी इंद्र मेघवाल की हत्या जो हुई है पीट पीट कर, उसी संबंध में मैंने यहाँ आज जिलाधिकारी मंत्री को ज्ञापन दिया उसके न्याय के लिए। मैं चाहता हूँ कि छल सिंह जो पीड़ित है उसको कानूनी तौर पर संवैधानिक तरीके से जो सजा बनती है वो सजा दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा पूरा राष्ट्रीय मानव सेना का, हमारा समाज, पूरे देश का, उत्तर प्रदेश का रोड पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड शो करेंगे।